A very good morning, children. So welcome back to the last part of the chapter, that is word processor. Last part and the last topic is using thesaurus. Okay, what is the topic name? Using thesaurus. Okay, so now what do you mean by thesaurus? So thesaurus help us to improve our vocabulary by providing a list of synonyms. Okay, synonyms means the words which have the similar meaning. Okay, and antonyms. Antonyms means the words with the opposite meaning. So thesaurus help us to improve our vocabulary by providing the list of synonyms and antonyms for any word. किसी भी word के synonyms और antonyms, जो वोकैबुलरी होती है, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसी भी वर्ड के होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है? थेसोरस से. थेसोरस इज़ जस्ट लाइक योर डिक्शनरी. ओके, इट्स अ डिक्शनरी विच हैव द लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द एनी वर्ड. सो हाउ वी कैन यूज दिस थेसोरस एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. So what it's happen, most of the time when we are typing a letter or something, a paragraph, so we don't have such a creative words in our mind. So we can use this thesaurus. Mostly they are often used by the writers to help find the best word to express an idea. Okay, whenever we are writing a letter, we have to express our idea in a beautiful manner. So it helps us to find the best word for the which is suitable for that time. Okay, so find that words or a words by which idea may be most fitly and aptly expressed. So this is all are about the thesaurus. That means thesaurus एक ऐसी vocabulary dictionary है जिसमें आपको synonyms और antonyms मिल सकते हैं. Mostly writers जो होते हैं वो इसको इसलिए use करते हैं ताकि उनके जो idea जो वो express करना चाह रहे हैं वो एक अच्छे words के साथ, एक impressive और एक beautiful manner के साथ एक अपना letter या अपना paragraph या कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये इसका यूज़ हम किस इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेस जो भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करने में हेल्प हो सके, काफ़ी अच्छे से हो जाए. तो ओके, नाउ हाउ वी कैन यूज़, व्हाट आर दोज स्टेप्स, सो फॉलो दीज स्टेप टू यूज़ द थेसोरस. ओके, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द वर्ड विच फॉर विच यू वॉन्ट टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. पहले आप उस वर्ड को सेलेक्ट करिए जिसके आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चाहिए. ओके, सो नाउ क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. उसके बाद आप रिव्यू टैब पे क्लिक करोगे, देन सेलेक्ट द थेसोरस ऑप्शंस इन द प्रूफिंग ग्रुप. उसके बाद जब आप रिव्यू टैब पे क्लिक करोगे तो आपको थेसोरस मिलेगा, थेसोरस का ऑप्शन जिससे आप क्लिक करेंगे. ठीक है, इन द प्रूफिंग ग्रुप. नाउ आफ्टर दैट वी जस्ट क्लिक द रिसर्च टास्क पेन ओपन्स. जब आप उसे क्लिक करोगे तो जस्ट लाइक दिस, आप इस इमेज में देखिए, ये रिसर्च पेन है जो अपने आप ओपन हुआ है व्हेन यू क्लिक ऑन द थेसोरस ऑप्शंस. नाउ डिस्प्लेइंग द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. उसके बाद जो भी आपने वर्ड सर्च किया है उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, देन मूव द माउस पॉइंटर टू द सूटेबल वर्ड. उसके बाद आपको जो भी वर्ड समझ में आ रहा है कि दैट इज़ द परफेक्ट फॉर दिस, तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करिए. ठीक है, कोई सूटेबल वर्ड ढूंढिए जो उसके लिए सूटेबल हो और उसे क्लिक कर लीजिए. नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन. उसके बाद आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन. उसके बाद आपको एक इंसर्ट ऑप्शन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे. द एग्जिस्टिंग वर्ड विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन. उसके बाद आप अपने नए वर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं, तो जो पुराना वर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा और आप उसमें कोई नए वर्ड को डाल के अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ढूंढ सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी वोकैबुलरी कंप्लीट तैयार कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द
thesaurus, then what is thesaurus and how it is used and why it is used in the word processor. So I think many more things are available in the word processor which help us to do very effectively. So I hope everyone will understand this chapter, will understand. So if you have any queries related to any topic, any part of this chapter, so ask me frequently and keep revising, keep studying and stay home, be safe. Thank you and have a nice day.